तो गाइज वी हैड फिनिश्ड आर ब्रेकफास्ट और मैंने भी नहा लिया है, निखिल ने भी नहा लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर हम्पी। बट आज हम लोग हम्पी एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वी आर गोइंग फर्स्ट टू बेयर सेंचुरी। इट इज़ समवेयर 1 आवर अवे फ्रॉम हियर, सो इट ओपन्स एट अराउंड 2 ऑन सैटरडेज। सो गाइज वी कैन रेंट अ बाइक फ्रॉम हियर, वील गेट अ बाइक इन अराउंड 350 bucks एंड 500 bucks। एक्टिवा यू विल गेट इन 300-350 एंड पल्सर यू विल गेट इट इन अराउंड 500। बट द प्रॉब्लम इज इफ यू रेंट अ बाइक एट दिस प्लेस यू कैन नॉट टेक इट अक्रॉस द रिवर एंड वो बाइक आपको इसी एरिया में चलानी पड़ेगी। सो हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो यहाँ से 1 घंटा दूर है, सो एंड वी कैन नॉट कैरी आर बाइक दैट साइड बिकॉज दे विल नॉट अलाउ अस। अगर पुलिस ने पकड़ा तो 500,000 रुपये का फाइन लगेगा। सो वी आर क्रॉसिंग द रिवर फर्स्ट एंड देन वहाँ पे फिगर आउट करते हैं कि कैसे जाना है। मे विल टेक अ ऑटो या बाइक ले लेंगे रेंट पे, लेट्स सी। ये मैंने 20 रुपये के 6 केले खरीदे हैं एंड इट्स सो फ्रेश। सो गाइस वी गॉट एन ऑटो टू गो टू द नेशनल पार्क बिकॉज द बस वॉज एट 1 PM बट इट वॉज लाइक नाउ नो मोर बस इज अवेलेबल एंड द बाइक्स आर ऑल्सो नॉट अवेलेबल। सो वी हैव डिसाइडेड ओके लेट्स गो बाय ऑटो एंड ही इज चार्जिंग 750 rupees कमिंग एंड गोइंग एंड कमिंग बैक। इट इज़ अराउंड 25 kilometers going and 25 kilometers coming, 60 kilometers. So, okay. ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ವಾಚ್ ಟವರ್ ಆರ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಲಿಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ 25 rupees ಪರ್ ಹೆಡ್ ಆರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಹಮ್ 4 kilometers ಅಂದರ್ ಆಯ್ ಆರ್ ಯಹಾ ಪೆ ಹೈ ವಾಚ್ ಟವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 बजे बियर्स को खाना खिलाने का टाइम होता है। सो मे बी वी कैन स्पॉट द बियर और मे बी नॉट, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो हमें फॉरेस्ट गार्ड ने बोला एंड वी हैव टू जस्ट स्टैंड ऑन द वॉच टावर एंड वेट। अगर दिख गया तो दिख गया, किस्मत है, अगर नहीं दिखे तो इट्स बेस्ड ऑन आवर लक। सो नाउ वी आर गोइंग टू द वॉच टावर। चलो चलो ऊपर चलो, विल मिस द बियर। यहाँ का लैंडस्केप जो है वो बहुत ही अलग है कंपेयर टू महाराष्ट्र। काफ़ी हिली माउंटेन्स हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, पथरीला रास्ता है।
सो गाइज देर आर अराउंड 5-6 बियर्स जो कि पीछे हैं, और यहाँ पे एक चीज़ है कि इफ़ यू आर हियर दे हैव बाइनोकुलर्स, सो उनसे आप देख सकते हो ईजीली, बहुत क्लियर दिखता है. सो आई सॉ 5 बियर्स वेरी क्लियर. फाइनली वी आर हेडिंग बैक, और काफ़ी अच्छी जगह है ये, एंड यू कैन नॉट सी बियर, इतने पास ही नहीं दिखते, बट बहुत ही जो लैंडस्केप है बहुत सही है, और जंगल है पूरा, पत्थरों से बड़े बड़े पहाड़ हैं, पत्थरों से भरे हुए. सो डेफिनेटली, और यहाँ का जो रास्ता है हम्पी से दोराजी आने का, वो बहुत सुंदर है. मैंने बहुत सारे खेत देखे, मिर्ची के खेत, और मिट्टी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, ताज़ी मिट्टी की, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था ऑटो से आने का हम्पी से दोराजी तक. सो इफ़ यू आर प्लानिंग तो यहाँ पे ज़रूर आइए, और बाइक से आइए या ऑटो से आइए, यू विल डेफिनेटली फील गुड हियर. और नाउ वी आर हेडिंग बैक टू द रिवर साइड, बिकॉज आफ्टर 6 विल नॉट गेट एनी बोट टू क्रॉस द रिवर, एंड वी आर प्लानिंग टू रीच अर्ली बाय 4:30, और उसके बाद हम लोग वहीं पे कोई एरिया को एक्सप्लोर करेंगे जहाँ से सनसेट वी कैन सी. तो गाइज इट इज़ 5:30, और हम लोग वापस आ गए हैं रिवर साइड नेक्स्ट साइड पे, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी द सनसेट, बिकॉज कुछ करने को नहीं है आज शाम को. सो आवर प्लान वॉज टू सी ओनली दोराजी नेशनल पार्क, देन वी हैव डिसाइडेड टू कम बैक एंड सी द सनसेट. सो देर इज़ वन पॉइंट यू टू क्लाइंब ऑन द टॉप, सो वी आर गोइंग देयर. सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ऊपर पहाड़ के एकदम, एंड मेरे ख्याल से आपने गोप्रो में शॉट देखे होंगे, सो इट इज़ रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस. सो गाइज फाइनली सनसेट हो गया है, और आफ्टर सम टाइम विल गो बैक एंड हैव आर डिनर, एंड टुमारो मॉर्निंग वी आर गोइंग समवेयर हियर एट हनुमान टेम्पल एट अराउंड 6 विल सी द सनराइज. सो नीचे मिलते हैं डिनर पे, फिलहाल अभी मैं बाय नहीं बोल रहा हूँ. So guys, we are at the restaurant called Laughing Buddha, and यहाँ का ambience जो है वो quite hippie है, hippie you can see. अभी तक खाना आया नहीं है, so we cannot tell you कि कैसा खाना है यहाँ का. When the food will be served, we'll tell you कि you should come here or not. But if you want to chill, you should definitely come to this place.
restaurant is on the river side, and you can see the temple and the river. It's dark right now, so you cannot see the river, but you can see the temple right now. And definitely it's a cool place. So guys, we have ordered cheese, something called as cheese olive mushroom sandwich, and Nikhil said it's nice, right? Let me taste it. It is good. Bread is soft, crunchy, the taste is okay. No, it's good, yeah. So guys, anyone who loves olive will love this sandwich. It has so much olive than mushroom. Olive is, quantity of olives are more compared to mushroom. So olive lover, this is for you. Pizza, pizza, veggie, pizza.